हेलो स्टूडेंट, कक्षा 12 राजनीति विज्ञान। कल हमने भारत की पड़ोसियों के साथ नीति का डिटेल से अध्ययन किया था। आज का महत्वपूर्ण बिंदु है भारत और मध्य पूर्व के देश। तीन में से अपने एक सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा आता है। पहला सवाल भारत और मध्य पूर्व के राष्ट्र, इसमें दूसरा सवाल बनता है भारत और रसिया, और तीसरा सवाल यहाँ पर बनता है भारत और रूस। इन तीनों में से अगर अपन देखें तो एक चौथा फैक्टर बनता है यूएसएसआर का, जो हम रशिया में ही पढ़ लेंगे। तीन में से एक सवाल आपको जरूर देखने को मिलेगा बोर्ड में। पहला संबंध है भारत का मध्य पूर्व राष्ट्रों से, दूसरा संबंध है रशिया से, और तीसरा संबंध है अमेरिका से। तो बहुत ध्यान से अपने को देखना है कि मध्य पूर्व के राष्ट्रों से भारत का कैसा संबंध रहा है। ये मध्य पूर्व के राष्ट्र भारत के लगभग पड़ोसी राष्ट्र और यूरोप से सटे हुए देश हैं। इनकी बात करें तो पाकिस्तान अफगानिस्तान दोनों ही क्या है, मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र हैं हम जानते हैं, और मुस्लिम आबादी यहाँ बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। यहाँ से हमारे क्या क्या प्रभाव पड़ रहा है, एक तो कट्टरवाद का प्रभाव पड़ रहा है। कट्टरवाद का प्रभाव कैसे है कि यहाँ पर इस्लामिक आतंकवाद को समर्थन मिलता है, मुस्लिम कठोर विचारधारा का समर्थन इनको यहाँ मिलता है, और ये कठोर मुस्लिम विचारधारा भारत को सीधे तौर पर हिंसा की तरफ ले जाती है, आक्रामकता की तरफ ले जाती है, और धर्म को लेकर जो व्यवस्थाएं हो रही है कट्टरता की ओर, वो कहीं ना कहीं देश के लिए क्या है, घातक है। कि बहुत सारे जो विचारक हैं इनका मानना है कि भारत में जो कट्टरता का वास हो रहा है, हिंदू मुस्लिम दंगे हैं, सिख मुस्लिम दंगे हैं, या बहुत सारे प्रकार की जो वैमनस्य की भावना है वो इन्हीं देशों से फैलाई जा रही है। जैसे J&K की बात देखें तो आज वर्तमान में वहाँ पत्थरबाजी बहुत कम हो गई है। कहीं ना कहीं हमने इस रास्ते को बंद किया है, चाहे वो पैसे के माध्यम से हो, विमुद्रीकरण के माध्यम से हो, चाहे जम्मू कश्मीर से 370-35 से हटाकर हमने काम किया हो। कुल मिला के देखा जाए तो ये जो कट्टरता की विचारधारा है, आक्रामकता की विचारधारा है, ये कहाँ से आती है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रास्ते से आती है, वो हमें परेशान कर रहे हैं। आप जानते हैं मुस्लिम क्या जारी करते हैं, फतवा जारी करते हैं, ये एक प्रकार का क्या होता है, आदेश ही होता है, एक प्रकार का क्या होता है, आदेश होता है, और इसको मानना मुस्लिमों के लिए अनिवार्य होता है। जैसे सानिया मिर्जा का हम उदाहरण देखें तो सानिया मिर्जा एक टेनिस स्टार खिलाड़ी हैं, भारत का नाम इन्होंने वर्ल्ड लेवल पर रोशन किया। इनके छोटे कपड़े पहनने के कारण बहुत सारे मुस्लिम जो धर्म गुरु थे, इन्होंने क्या जारी किया, फतवा जारी किया और इनको बाध्य किया कि आप ऐसे कपड़े नहीं पहन सकते हैं, और कहीं ना कहीं भारत में अभिव्यक्ति की आजादी का ये क्या है, एक प्रकार से उल्लंघन है। फिर मुसलमान कट्टरता आ रहा है। दूसरा आतंकवाद, आप जानते हैं आतंक का दूसरा नाम पाकिस्तान है, आतंक का गढ़ भी कौन है, पाकिस्तान है, और इसमें कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। अभी बहुत सारी जगह यूट्यूब वगैरह पे चैनल्स देखते हैं पाकिस्तान के, तो वो कहते हैं कि हमारा देश आतंकवाद से कोई लेना देना नहीं रखता। अब इसके सबूत हमने इतने दिए हैं, इसके बाद ओसामा बिन लादेन दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी, जो अमेरिका का कट्टर दुश्मन था, पाकिस्तान ने उसे अपने यहाँ बिल्कुल मिलिट्री बेस के पास छिपा कर रखा था, इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है। 9/11 की घटना के ये आतंकवादी थे, इसके बाद मुंबई हमले में जो किसी का साहब को हमने पकड़ा, वो भी एक पाकिस्तानी नागरिक था। बहुत सारे सबूत हमने पाकिस्तान को दिए हैं। इसके बाद देखें मध्य पूर्व से संबंधों में हम और आगे देखें तो इनसे हमारे व्यापारिक संबंध इतने ज्यादा अच्छे नहीं है। अफगानिस्तान की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है, हमने पिछले वीडियो में बात की थी 96 में अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा हुआ। तालिबान एक आतंकवादी संगठन है और ये आतंकवादी हिंसा के दम पर आम जनता को अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते हैं। अफगानिस्तान की स्थिति के बारे में और देखें तो अफगानिस्तान एक प्रकार से युद्ध का अखाड़ा है। 70 से 80 के बीच में रसिया ने यहाँ पर अपनी सेनाएं स्थापित की। इसके बाद बहुत सारे देशों को लगने लगा, अमेरिका को ये लगने लगा कि यदि अफगानिस्तान रसिया के प्रभाव में आ गया
तो मेरा प्रभाव कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसी को लेकर आतंक को जन्म दिया गया था रसिया को बैकफुट पर लाने के लिए। और इस आतंकवाद को खाड़ी देशों में, इन मध्य पूर्व के देशों में और रसिया के क्षेत्रों में फैलाने का काम अमेरिका ने किया। तो कहीं ना कहीं अफगानिस्तान बहुत ज्यादा बैकफुट पे आ गया है और उसके अभी विकास की, पुनः रचना की जरूरत बहुत पूरे देश को हो रही है, पूरी दुनिया को हो रही है। भारत भी इसमें मददगार बना हुआ है। वैश्वीकरण में भी मध्य पूर्व के देश मध्यकालीन व्यवस्था अपनाए हुए हैं। इसको अगर हम देखें, पहली वाले बिंदु को तो हम बहुत डिटेल से पहले भी पढ़ चुके हैं, दूसरे में देखें, सबसे पहला सवाल उठता है मध्यकालीन व्यवस्था कौन सी थी। मध्यकालीन व्यवस्था वो थी जो शीत युद्ध के बाद और वैश्वीकरण से पहले, यानी कि 45 से लेकर 1945 से लेकर 91 के मध्य जो रूढ़िवादी सिस्टम चलता था पिछले लघु देशों का, यानी कि एक देश की अनुयायी सभी देश मिलकर उस पर काम करेंगे, कौन सी व्यवस्था कहलाती है, मध्यकालीन व्यवस्था कहलाती है। उदाहरण के तौर पर देखें, अभी आपने देखा टर्की का नाम आपने सुना होगा, रोज युद्ध चल रहा है आर्मेनिया और अजरबैजान के मध्य। इसको हमने पहले भी डिटेल से देखा है, आर्मेनिया ईसाई बाहुल्य क्षेत्र है, अजरबैजान मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, टर्की जो देश है वो भी मुस्लिम बाहुल्य है, अजरबैजान और आर्मेनिया से बहुत बड़ा देश टर्की है, टर्की अमेरिका का निकटवर्ती है, नाटो सहयोगी राष्ट्र है और रसिया भी इसकी मददगार हमेशा बना रहता है, रसिया ने भी इसकी मदद की है। बहुत सारे हथियार इसने इस युद्ध में शामिल किए हैं, बहुत सारे देशों की चेतावनी के बाद भी टर्की पीछे नहीं हट रहा है। तो कहीं ना कहीं ये क्या है, एक मध्यकालीन व्यवस्था का ही उदाहरण है। इनको अपनी जीडीपी से कोई मतलब नहीं है, अंतरराष्ट्रीय धरातल से कोई मतलब नहीं है, केवल और केवल एक ठर्रा चाहिए, वर्चस्व चाहिए, जो शीत युद्ध के दौरान हमने देखा 45 से 91 के मध्य। ये लोग अपने सहयोगियों का कट्टर विरोध करते हैं चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। ऐसा ही अमेरिका के समय हमने देखा कि शीत युद्ध में अमेरिका के वे लोग भी सहयोगी बन गए जो ना चाहते थे, क्योंकि उनकी आवश्यकता ऐसी ही थी और वो कट्टर विरोध कर रहे थे चाहे अपना सहयोगी गलत ही क्यों ना हो। तो वैश्वीकरण के दौर में भी ये किसमें जी रहे हैं, मध्यकालीन व्यवस्था में जी रहे हैं। यहाँ का जो शासन वर्ग है, यहाँ की जो सत्ता है, यहाँ का जो राजतंत्र है वो भी पुराना ही, आज वर्तमान युग में नहीं आया है। सऊदी अरब, इराक, इसमें दोनों में कौन पाए जाते हैं, सुन्नी, और ईरान में कौन पाए जाते हैं, शिया। अब ये थोड़ा सा एक बड़ा फैक्टर है यहाँ पर, आप जानते हैं दुनिया का सबसे बड़ा संघर्ष अगर पाया जाता है तो मुस्लिम मुस्लिम में पाया जाता है। आप देखें दुनिया में कहीं भी संघर्ष है उसमें एक पार्ट मुसलमान जरूर है, 90% के आसपास संघर्ष मुसलमानों से जुड़े हुए हैं दुनिया में। इसका मतलब दुनिया के सबसे ज्यादा समस्यात्मक इलाके कौन से हैं, मुस्लिम बाहुल्य इलाके हैं, कहीं ना कहीं आक्रामकता से ये पेश आ रहे हैं। सऊदी अरब और इराक ये दोनों क्षेत्र किससे संबंधित हैं, सुन्नी मुसलमानों से संबंधित हैं। अब ये शिया और सुन्नी बने कैसे, आपको पता है हम इस्लाम धर्म पढ़ चुके हैं और अगर अभी बचा है टॉपिक तो हम पढ़ लेंगे कि ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म का प्रादुर्भाव 620 ईस्वी में मक्का मदीना में मोहम्मद साहब के नेतृत्व में हुआ। अब इस्लाम धर्म की शिक्षा उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से रखा, बहुत शानदार चीजें उन्होंने बताई थी, मुसलमान जिसका ईमान पाक हो, जो झूठ ना बोले, स्त्रियों का सम्मान करे, जो ब्याज ना ले, गरीबों की सहायता करे, 5 समय नमाज अदा करे, इस्लाम धर्म की शिक्षाएं बहुत जबरदस्त थी और बहुत अच्छे से उन्हें पेश किया गया था। लेकिन बाद में जो धर्म गुरु आए उन्होंने अपने हिसाब से इनको एडजस्ट कर लिया। ऐसा कहा जाता है मोहम्मद साहब ने जो बेहतरीन शिक्षा दी थी उससे साइड हटकर इनके जो दामाद थे उनकी तरफ जो लोग गए, इसी वजह से दो वर्ग बने, इसमें शिया और सुन्नी, और ये अपने आप को एक दूसरे का विरोधी मानते हैं। सुन्नी अपने आप को अच्छा बताते हैं, शिया अपने आप को अच्छा बताते हैं, लेकिन दोनों में आज कट्टरता से संघर्ष पाया जाता है। इसके बाद देखें खाड़ी देशों में तेल आधारित अर्थव्यवस्था, आप जानते हैं यूएसएसआर, यूएसएसआर का मतलब हुआ सोवियत संघ, सोवियत संघ।
यूएसएसआर, इसके 15 राष्ट्रों से मिलकर लगभग ये लोग बने थे, राष्ट्र तो ज्यादा थे लेकिन टुकड़े इसके कितने हुए बाद में, 15 ही हुए। ये देश अगर जब आजाद हुए तो इनमें आनंद फानंद में तो राजतंत्र स्थापित हो गया, लोकतंत्र आया तब भी उसमें तानाशाही आई, और इन क्षेत्रों में जो अर्थव्यवस्था का आधार बना वो क्या था, तेल क्षेत्र था। इन क्षेत्रों में क्या था, तेल क्षेत्र है। ये भी कट्टर धर्म के अनुयायी हैं, आर्मेनिया अजरबैजान भी इसी यूएसएसआर प्रणाली के समर्थक थे। यहाँ आपको एक बात बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, दुनिया का कोई भी धर्म चाहे सिख ईसाई मुस्लिम जैन कोई सा भी हो, सब धर्म समान है, सबकी बेहतरीन शिक्षाएं हैं, लेकिन उस शिक्षा को कहीं ना कहीं हमने अपने हिसाब से एडजस्ट किया वो गलत हो गया। जैसे हिंदू धर्म दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ धर्म है लेकिन इसमें जो आडंबर की योजनाएं आई, इसमें जो अपने लिए फायदा देखने वाले लोग हैं उन्होंने एडजस्ट इस धर्म को कर दिया, वो कहीं ना कहीं एक गलत रास्ते पर चला गया। तो हमारे यहाँ धर्म बहुत अच्छा है, सिख ईसाई मुस्लिम किसी भी प्रकार का धर्म हो वो अच्छी शिक्षा देता है। इसीलिए जो यूएसएसआर से जो अलग हुए इनमें प्रमुख कारण एक तो रहा धर्म, कि धर्म के आधार पर ये देशों के संगठन बढ़ते हुए चले गए। दूसरा इसमें क्या कारण रहा कि इनकी अर्थव्यवस्था तेल आधारित है, इनका जो यूएसएसआर से निकलने के बाद जीडीपी का जो बेस बचा, इनकी जो प्रोग्रेस रिपोर्ट जो होने वाली थी, इनकी अर्थव्यवस्था जो टिकी वो किस पर टिककर रह गई, तेल पर ही टिककर रह गई, और तेल संसाधन इनका मुख्य सोर्स हो गया डेवलपमेंट का। इन्होंने तेल को बेचा, तेल से संबंध इनके बढ़ते चले गए और बहुत जबरदस्त ग्रोथ भी इनको मिली। लेकिन तेल में यदि कमी आई तो इनकी अर्थव्यवस्था में भी क्या आई, कमी आई, इसलिए ये तेल के केंद्र बनकर रह गए। यहाँ आपको एक बहुत गजब का सवाल बनता है, यूएसएसआर से अलग हुए राष्ट्रों ने विकास का माध्यम क्या बना, यूएसएसआर से अलग हुए राष्ट्रों के विकास का माध्यम क्या बना, तो क्या बना, तेल बना। तेल संसाधन के आधार पर इनके डेवलपमेंट को देखा जा सकता है। आप जानते हैं अजरबैजान आर्मेनिया के बीच में जो लड़ाई हो रही है वो भी कहीं ना कहीं तेल संसाधन को लेकर ही, उस कारा गबाक क्षेत्र में जो तेल संसाधन पाए जाते हैं उसको लेकर ही हो रही है। अमेरिका रशिया को ये टेंशन है कि कहीं तेल के कुएं पर कोई हमला ना कर दे तो संसाधन ही क्या हो जाए, नष्ट हो जाए। इसके बाद देखें ईरान भारत संबंध, खाड़ी देशों में तेल आधारित अर्थव्यवस्था, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये अपने हो चुका है कि खाड़ी देशों के साथ साथ जो वैश्वीकरण के समय सोवियत संघ से जो आजाद हुए थे देश, उनका भी आधार क्या था, तेल ही था। ईरान भारत संबंध आप बहुत ध्यान से देखें, ईरान अलग देश है, इराक अलग देश है, आपको याद होना चाहिए इराक और ईरान दो अलग अलग हैं। इराक आपको याद होना चाहिए सद्दाम हुसैन वाला देश है और अमेरिका का निकटवर्ती देश था, बाद में विरोध हुआ और फिर अलग हो गए, और इसका भी कारण शिया सुन्नी विवाद ही था। ईरान आप जानते हैं चाबहार बंदरगाह, यहाँ पर चाबहार बंदरगाह है, भारत का निकटवर्ती सहयोगी है, ईरान भारत का निकटवर्ती सहयोगी है, भारत को पेट्रोल बहुत ज्यादा मात्रा में यहाँ मिलता है। लेकिन अभी कुछ समय पहले क्या हुआ, इन्होंने परमाणु परीक्षण किया और ये बहुत जबरदस्त परमाणु संपन्न बनना चाहता है ईरान, इसका विरोध किसने किया, अमेरिका ने। अमेरिका की हमेशा दोहरी पॉलिसी रही है, एनपीटी न्यूक्लियर परमाणु प्रसार संधि, इसका अंग्रेजी में नाम है एनपीटी न्यूक्लियर प्रोटेक्शन टीटी, और इसका हिंदी में अर्थ है परमाणु प्रसार संधि, परमाणु प्रसार संधि। अब इसको अगर अपन आगे देखें तो परमाणु प्रसार संधि होती है 1968 में, और यहां से आप जानते हैं बाद में सीटीबीटी होती है 96 में, और ये दोनों ही अजीबोगरीब संधियां थी। इनमें शर्त क्या रखी गई कि जिन्होंने बना लिया है परमाणु वो तो अपने पास रख सकते हैं और नए नहीं बनाएंगे, तो ये कहीं ना कहीं दोहरा भाव रखती है, एक तो वो जो बना चुके हैं उनको सुरक्षित करती है,
दूसरा गड़बड़ क्या कर रही है कि नया भी नहीं बनाने दे रही है, तो ये शक्ति संतुलन के क्या है, एक विरुद्ध नियम हो जाता है। ईरान ने जब परमाणु बाध्यता को हटाया, विरोध किया और जबरदस्त तरीके से परमाणु परीक्षण कर लिए, तो इसका विरोध खुलकर किसने किया, अमेरिका ने किया। ईरान पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश की और लगा भी दिए। अमेरिका के निकटवर्ती जितने भी सहयोगी थे उन सब ने जैसे भारत पर 98 में प्रतिबंध लगे थे वैसे ही ईरान पर लग गए, फिर धीरे धीरे ये प्रतिबंध बढ़ते हुए चले गए। ईरान ने मोर्चा खोल दिया किसके विरुद्ध, अमेरिका के, और ऐसा लगने लगा कि दोनों के मध्य बहुत जल्द युद्ध हो जाएगा। लेकिन कुछ मध्यस्थों ने, जिसमें भारत भी एक है, बातचीत करवाई, दोनों में शांति स्थापित हुई, लेकिन आज भी तनाव बहुत जबरदस्त है। लेकिन अंतरराष्ट्रीय राजनीति में क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। आप देखें, ईरान आर्मेनिया का समर्थन कर रहा है और आर्मेनिया का समर्थन ही कौन कर रहा है, भारत और अमेरिका, और आर्मेनिया का समर्थन ही कौन कर रहा है, रसिया। तो एक बड़ी अजीब सी पॉलिसी बन रही है, अमेरिका, रसिया, ईरान और भारत। भारत के संबंध रसिया और अमेरिका दोनों से कॉमन है, लेकिन ईरान के संबंध अमेरिका से बहुत खराब है और दोनों एक पाले में आ रहे हैं, तो एक बड़ा अजीब सा समीकरण बन रहा है। इजराइल का नाम आपने बहुत अच्छा सुना होगा, इजराइल अंतरराष्ट्रीय धरातल पर अमेरिका का बेहद कठोर समर्थक है, बहुत जबरदस्त साथी है, या यूं कहें एक ही सिक्के के दो पहलू है, इजराइल और अमेरिका। हमेशा अमेरिका इजराइल का हर हाल में समर्थन करता है, इजराइल अमेरिका का हर हाल में समर्थन करता है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। लेकिन इस युद्ध में वो अजरबैजान की साइड आ रहा है, तो कहीं ना कहीं वो अमेरिका के विरुद्ध जाने की बात कर रहा है। तो इस युद्ध में अंतरराष्ट्रीय धरातल पर हमेशा समीकरण बनते हैं और बिगड़ते रहते हैं। आपको याद होगा श्रीलंका हमारे पक्ष में था, लेकिन इस कार्यकाल में जब नए राष्ट्रपति बने तो वो हमारे विरुद्ध जा रहे हैं। नेपाल भी अभी ओली साहब हमारे विरुद्ध जाने की बात कर रहे हैं, इसलिए नेपाल में क्या हो रहा है, विरोध हो रहा है। यहां तक की बात हमने की पाकिस्तान अफगानिस्तान में मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, इससे यहां से कट्टरता भारत को प्रभावित कर रही है, आतंकवाद भारत को प्रभावित कर रहा है। वैश्वीकरण में मध्य पूर्व के देश आज भी मध्यकालीन व्यवस्था में जी रहे हैं, इनमें आज आधुनिकीकरण नहीं आया है। सऊदी अरब, ईरान किससे संबंधित हैं, सुन्नी मुसलमानों से संबंधित हैं। ईरान किससे हैं, शिया मुसलमानों से संबंधित हैं, और भारत के मुसलमान भी ज्यादातर मात्रा में शिया ही हैं। अब इनमें विवाद यह है कि ये लोग कहते हैं कि हम ही मुसलमान हैं, बाकी ये तो कन्वर्जन है, ये कन्वर्ट हुए हिंदुओं से मिलकर बने हैं, यानी कि ये लोग हिंदुओं से मिलकर क्या बने हैं, मुसलमान। ओरिजिनल मुसलमान वाले तो कौन है, सुन्नी ही मुसलमान हैं। खाड़ी देशों में तेल आधारित जो अर्थव्यवस्था है इसका आधार बड़ा है, और इनकी जो डेवलपमेंट हुई है, सऊदी अरब बहुत जबरदस्त डेवलपमेंट है, तो वो तेल पर ही आधारित है, और इससे भारत के संबंध आज भी बहुत अच्छे हैं। ईरान के संबंध भारत से बहुत अच्छे हैं। भारत मध्य पूर्व के देशों में देखें तो इसमें ईरान में भारत चाबहार बंदर का डेवलपमेंट कर रहा है, इससे ईरान को भी मदद मिलेगी और भारत को भी मदद मिलेगी। ईरान कहीं ना कहीं शक्ति संतुलन को भारत के पक्ष में झुका रहा है दक्षिण एशिया के देशों में। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा आयातक तेल देश है, आपको ये याद रखना है कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा आयातक देश है, और अपने पड़ोसियों के रिफाइन करके निर्यात भी करता है, आपको ये भी ध्यान रखना है। जो खाड़ी देशों पर आश्रित है, इसका कारण क्या हुआ कि अपनी कूटनीति, तीसरा तेल का सबसे बड़ा आयातक देश है जो खाड़ी देशों पर क्या है, आश्रित है। आपको यहां यह भी जानना जरूरी है कि जो भारत अपने तेल का व्यापार है वो कूटनीति के माध्यम से कर रहा है, तेल डिप्लोमेसी को आगे बढ़ा रहा है, इससे भारत के संबंध अच्छे होंगे। तेल आयात निर्यात कहीं ना कहीं बड़ा अर्थव्यवस्था का केंद्र बन जाता है। 70 लाख लोग इन देशों में काम करते हैं, बहुत बड़ी आबादी होती है 70 लाख की। $35 अरब की वित्तीय सहायता भारत को यहाँ से मिल जाती है, यानी कि बहुत बड़ा क्षेत्र कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था का हमारे यहाँ से आता है।
अब इसके नकारात्मक प्रभाव भी हमारे देश पर कुछ पड़ रहे हैं। पहला तो वहां भी विचारधारा कहीं ना कहीं कट्टर विचारधारा है, जो कहीं ना कहीं नकारात्मक सोच हमारे यहाँ लेकर आती है, दंगे फसाद की जड़ फैलाती है। यहाँ मैं फिर से आपसे कह रहा हूं, कोई भी धर्म किसी भी प्रकार की हिंसा का समर्थन नहीं करता। हम धर्म वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन उस धर्म को गलत तरीके से पेश किया जाता है, और जो अशिक्षित कम पढ़े लिखे लोग हैं उनको बरगला दिया जाता है, माइंड वॉश किया जाता है, जैसा हम IS IAS को देखते हैं, इस्लामिक स्टेट ऑफ इरिया और इराक और सीरिया। IS IAS की बगदादी की हमने बहुत भयंकर क्रूर व्यवहार देखा, आम जनता को प्रताड़ित करते हुए देखा, आम जनता का मर्डर देखा, अमेरिकी सैनिकों की गर्दन काटते हुए देखा। तो कहीं ना कहीं ये वहां भी विचारधारा का एक उदाहरण है। ये जनता को इस तरीके से अपने आप को पेश करते हैं कि हम लोग सही हैं, बाकी पूरी दुनिया क्या है, गलत, और अपने धर्म को हिंसा के माध्यम से जोड़ देते हैं, जो सही चीज नहीं है। एकता को खतरा, वहां भी विचारधारा कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से भारत के बंटवारा चाहती है। ये चाहती है कि कहीं ना कहीं जो अशिक्षित लोग हैं उन्हें असुरक्षा की भावना जागृत की जाए। अशिक्षित लोगों में असुरक्षा की भावना के कारण वो आक्रामक हो जाएंगे, वो डरेंगे, और डरेंगे तो कहीं ना कहीं हिंसा फैलेगी, और वो कहीं ना कहीं देश के लिए क्या बन जाएंगे, खतरा बन जाएंगे। इससे आतंकवादियों की जो मनसा है वो क्या हो जाती है, पूरी हो जाती है। लेकिन भारत ने इसके लिए बहुत सारे प्रयास किए हैं। भारत ने आतंक और वहां भी विचारधारा को रोकने के लिए अथाह प्रयास किया है। इसमें शिक्षा है, संचार है, रोजगार है, कम्युनिकेशन है, और भी बहुत सारे कुटीर उद्योग, जिससे लोग बाग स्थिरता में आए और सकारात्मक विचारधारा उनमें आए। क्योंकि जब तक शिक्षा, उच्च शिक्षा नहीं होगी, सार्थक शिक्षा नहीं होगी, तो नकारात्मकता बनी रहेगी। इसराइल भारत संबंध बहुत अच्छे हैं, इसको हम डिटेल से देखते हैं। इसराइल एक गैर इस्लामिक कंट्री है, आपको ये याद होना चाहिए। इसराइल में यहूदी पाए जाते हैं, ये वही यहूदी हैं जो जिन्हें हिटलर ने इनको मारा था। और हिटलर से एक बार इनसे पूछा गया कि आपने बहुत सारे यहूदियों को मारा और कुछ को ही छोड़ दिया, ऐसा क्यों? तो हिटलर ने कहा ताकि ये बता सके कि मैंने इनको क्यों मारा। अब ये तो एक फनी टाइप का सिस्टम हो गया, लेकिन हिटलर एक बड़ा आक्रामक रवैया था उनका। कहीं ना कहीं देखा जाए तो इजराइल भारत का प्रत्यक्ष सहयोगी हमेशा रहा है। यहाँ पर एक आईफा नाम की जगह है, वहां आज भी भारत के सैनिकों का स्मारक है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से 18 के बीच में यहाँ के क्षेत्रों को भारतीय सैनिकों ने आजाद करवाया था। इतनी बड़ी उपलब्धि, आप देखें इसराइल कहाँ है, भारत कहाँ है। ब्रिटेन के नेतृत्व में हमने युद्ध लड़ा, और कहीं ना कहीं बहुत आक्रामकता से हमारे सैनिकों ने राइफल्स का सामना किया तलवारों से, और इसराइल की सुरक्षा उस जमाने में हमने की थी। इसीलिए इसराइल के संविधान में भी भारत प्रोटेक्शन की बात कही गई है, और बहुत सारे इसराइली तो यहाँ तक कहते हैं कि पूरी दुनिया ने हमें मारा, पूरी दुनिया ने हमें मारा, लेकिन भारत ही एकमात्र ऐसी जगह थी जिसने हमें बचाया। इसीलिए भारत की हर संभव मदद हम लोग हर हाल में करेंगे। यही नतीजा था कि पहले प्रधानमंत्री मोदी जी बने, और जिन्होंने इजराइल का दौरा किया। आज तक हमारे किसी भी प्रधानमंत्री ने इजराइल का दौरा नहीं किया, कारण इजराइल का परम शत्रु है फिलीपींस, और हम लोगों का सहयोग किसकी तरफ था, फिलीपींस की तरफ था। जब फिलीपींस की तरफ थे तो इसराइल जाने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि तो दो दुश्मनों में से एक को ही चुनना होता है। लेकिन इसके बावजूद भी इसराइल ने हमारे को कारगिल में और बाकी सब युद्धों में क्या दी, मदद दी। अभी हमने इसराइल से सॉफ्टवेयर खरीदे हैं, एंटीटेक मिसाइलें खरीदी हैं, बहुत सारी टेक्नोलॉजी हमने इससे ली है। अभी इसराइल से पर्यावरण से संबंधित और ड्रॉप सिस्टम, हवा से पानी निकालने वाली प्रणाली भी हम लोग सीख रहे हैं। दुनिया का एकमात्र देश इजराइल ही है जो समुद्र के पानी से खेती करता है। तो आप जान सकते हैं कितनी उन्नत टेक्नोलॉजी यहाँ पर होगी। अब दोनों का कंपेयर करें, इजराइल की जनसंख्या मात्र 80 लाख ही है। इजराइल की जनसंख्या कितनी है, मात्र 80 लाख। उससे आसपास तो हमारे देश के लोग खाड़ी देशों में रहते हैं। राजस्थान से छोटा प्रदेश है इजराइल, आप समझ सकते हैं। और भारत की जनसंख्या लगभग 140 करोड़ हो चुकी है अभी,
जनसंख्या के आंकड़े 121 करोड़ थे, लेकिन इस बार 140 करोड़ के आसपास हो जानी है जनसंख्या। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो 140 करोड़ की जनसंख्या वाला देश और बहुत ज्यादा पिछड़ा हुआ है किससे, इसराइल जैसे देश से। तो इसराइल हर संभव मदद करने में हमारे लिए आगे आ रहा है और पूरी दुनिया में इतनी दहशत है इसराइल की कि वहां पर ऑटोमेटिक राइफल्स हैं, कि जैसे ही सीमा पर उनके कोई दुश्मन आता है ऑटोमेटिक टारगेट सेट होता है और गोलियां फायर होना शुरू हो जाती हैं। तो इसराइल सबसे सुरक्षित सीमाओं वाला देश है, इसके सभी पड़ोसी इस्लामिक देश हैं और एक बार सभी ने मिलकर इस पर हमला कर दिया था और साथ तो ही हार गए थे। तो इससे हम लोग इसराइल की ताकत का आकलन लगा सकते हैं। इसराइल आज वर्तमान में बहुत सक्षम है। इसराइल एकमात्र ऐसा देश है जिसने दूसरे देश में घुसकर अपने हाईजेक प्लेन को बहुत आसानी से छुड़ा लिया था। इसमें भारत का नाम भी आता है और सबसे प्रसिद्ध ऑपरेशन इसराइल का ही है। ये प्रधानमंत्री जो वर्तमान में है नेतन्याहू, इनके ब्रदर थे जिन्होंने ये ऑपरेशन किया था, वो शहीद हो गए थे। उसके बाद ये गरीब परिवार बहुत पॉपुलरिटी में आया और नेतन्याहू उसी ऑपरेशन के बदौलत प्रधानमंत्री बने हैं इसराइल के, राष्ट्राध्यक्ष बने हैं इसराइल के। तो ये भी एक बड़ा अचीवमेंट है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो भारत इजराइल संबंध प्रत्यक्ष सकारात्मक और विकास को दृष्टिकोण रखते हुए हैं। भारत हमेशा इजराइल के प्रति नकारात्मक नहीं तो डायरेक्ट लिंक में कभी नहीं रहा। मोदी सरकार ने डायरेक्ट संबंध इजराइल से रखे हैं, इजराइल ने हमेशा डायरेक्ट भारत से संबंध रखे हैं, डायरेक्ट सकारात्मक संबंध रखे हैं। यहाँ अपना टॉपिक खत्म होता है भारत और मध्य पूर्व के देशों के संबंध। इसमें हमने लगभग सभी पड़ोसियों से संबंध देख लिए जो मध्य पूर्व से सीधे हमारे यहाँ जुड़ते हैं।